हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश का मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो, क्रिस्पी मकई चाट बनाइए। ये बनेगा क्रिस्पी एंड बहुत ही टेस्टी। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 ढेर सारा लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसके लिए हमने लिया है एक बाउल में पानी, फिर इसके अंदर एक कप कॉर्न डाल दिया है और 1/4 टीस्पून नमक डाला है। ये स्वीट कॉर्न नहीं है, नॉर्मल कॉर्न है। इसे हम माइक्रोवेव ओवन में 10-15 मिनट्स तक बॉईल कर लेंगे। इसके जगह आप गैस में भी कर सकते हैं। गैस में करना है तो एल्युमिनियम या स्टील बर्तन यूज करना है। इसे तब तक पका लेना है जब तक कि ये फूल के नरम ना हो जाए। अब ये हो गया है, इसे छान लेना है। इस तरह छलनी के मदद से छान लेना है ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा। पानी पूरी तरह से स्ट्रेन होने के बाद इस तरह एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अब इसमें ऐड कर लेना है क्रिस्पी होने के लिए 2 स्पून मैदा, 2 स्पून चावल पाउडर। कॉर्न का क्वांटिटी के हिसाब से मैदा राइस पाउडर कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डाल देना है 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। बिना पानी डाले इसे मिक्स कर लेना है, वो इसलिए ऑलरेडी कॉर्न में मॉइस्चर होगा और साथ में जो नमक डाला है वो भी पानी छोड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए और सारे कॉर्न पर कोट लगना चाहिए। अब इन्हें कर लेना है डीप फ्राई। इसके लिए हमने ऑयल को पहले से गर्म करके रख लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा कॉर्न डाल के डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। तुरंत ना पलटे, नीचे से थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उलट पलट कर लेना है ताकि एक एक दाना अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये फ्राई हो चुका है, इन्हें निकाल लेना है। इस तरह एक ऑयल स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। अब रख लेना है इसे साइड पे। इसी तरह बाकी बचा हुआ कॉर्न को भी फ्राई करके निकाल लेना है। फ्राइड कॉर्न को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका आवाज सुनिए, ये कितना क्रिस्पी बना है। अब बारी आती है चाट बनाने की। अब इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन, बारीक कटे हुए फ्रेश धनिया, साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी चाट मसाला। आपको नमक और मिर्ची कम लगेगा तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, और हाफ लेमन जूस। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टेस्ट करके कुछ भी कमी होगा तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा क्रिस्पी कॉर्न चाट बनके रेडी है। अब मैं इसे टेस्ट करके बताऊंगी किस तरह बना है। ये बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों, हमें तो सबको सही लगा। तो गाइस, आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस रेसिपी को बनाकर कैसे बना है अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।